बोल्सकाई में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति आने वाली है और हर कोई इस दिन दान करके अपने पाप को दूर करना चाहता है, तो वहीं अपने अच्छे कर्मों के लिए फलों की प्राप्ति भी करना चाहता है। मकर संक्रांति में तिल के दान का काफी महत्व है और हर कोई किसी न किसी तरीके से तिल दान करना चाहता है। चलिए जी, आपको बताते हैं मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 14 जनवरी को सिर्फ 2 घंटे के लिए ही मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त होगा। मकर संक्रांति में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करती है। शनि में राशि मकर है। शनि न्याय और पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करवाते हैं। तिल का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में भी होता है क्योंकि ये शनि का द्रव्य है। यूं तो आप मकर संक्रांति पर तिल दान तो करेंगे ही, लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आपको तिलस्मी फायदे होंगे, आपके घर धन बरसेगा। आपको बस इतना करना है कि मकर संक्रांति के दिन काले कपड़े में तिल के 108 दाने बांधकर 100 ग्राम गुड़ के साथ किसी नदी या नाले में इसे प्रवाहित कर देना है। अगर आपके आसपास ऐसा कुछ नहीं है तो हाथ में तिल और गुड़ लेकर एंटी क्लॉकवाइज अपने सर पर हाथ घुमाकर जैसे नजर उतारते हैं वैसे करते हुए सिंक में इसे धो दें और फिर मुड़ कर न देखें। आपके सारे पूर्वजनों के पापों और ऋण का सफाया हो जाएगा और आपका भाग्य खुल जाएगा। आपको तिलस्मी फायदा होगा। इस टोटके को करने से आप पर शनि की दशा भी खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको भी होना है पापों से मुक्त और घर में भरना है खुशियों का भंडार, तो करना ये उपाय।